हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल गुनाव। और आज हम बात करेंगे यूरिन कास्ट के बारे में। बात करेंगे, एक छोटा सा वीडियो है यूरिन कास्ट की समरी का। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो यूरिन कास्ट है, कौन सा जो यूरिन कास्ट है वो कब निकलता है और कहाँ निकलता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ये जनरली एग्ज़ाम में तो पूछते नहीं है, बट वाइवा होता है तो वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं, और जो पीजी वगैरह का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी पूछते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हायलिन कास्ट के बारे में, तो जो हायलिन कास्ट है ये नॉर्मली देखा जाता है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, कंपोजिशंस की अगर बात की जाए तो टेम हॉर्स फॉल प्रोटीन्स होता है, वो जनरली हमारे असेंडिंग लोप ऑफ हेनले मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि जो लोप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लोप ऑफ हेनले हैं वहाँ से ये निकलता है, ये और ये हमारे यूरिन के अंदर आ जाता है। करेक्ट, मेन है हायलिन कास्ट। सेकेंड अपन बात करें तो आरबीसी कास्ट के बारे में बात करें तो आरबीसी कास्ट एक ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के केस के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ से निकलता है। और डब्ल्यूबीसी कास्ट की अगर बात की जाए तो जो सीपीएन जो क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस वाली जो कंडीशन होती है उसके अंदर वहाँ से निकलता है, वहाँ पे देखने को मिलता है जनरली। और ब्रॉड वैक्सी कास्ट की अगर बात की जाए तो क्रोनिक रीनल फेलियर वाली जो कंडीशन होती है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और एक होता है एक्यूट ट्यूबुलर कास्ट, ये हमारे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वाली कंडीशन के अंदर देखने मिलेगा, और ये अगेन एक ट्यूबुलर डिजीज़ है। तो ये इस वीडियो के अंदर अपन ने यही देखा कि कौन सा जो यूरिन कास्ट है वो कहाँ से निकलता है और कब निकलता है, वो सारी चीज़ें देखी। तो ये जनरली याद करने वाली चीज़ें हैं, तो ये याद करना पड़ेगा। जैसे आरबीसी कास्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर कटेगा निकलेगा, आरबीसी जो कास्ट है वो एक क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन के अंदर निकलेगा, ब्रॉडवेक्सी कास्ट है वो क्रोनिक रीनल फेलियर वाली कंडीशन के अंदर निकलेगा, एक्यूट ट्यूबुलर कास्ट है ये एक तरह का एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वाली कंडीशन के अंदर निकलेगा, और हायलिन कास्ट की अगर बात की जाए तो ये हमारे एक टेम हॉर्स फॉल प्रोटीन से जो असेंडिंग लोप ऑफ हेनले से निकलता है। करेक्ट, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इसके अंदर अपन ने यूरिन कास्ट के समरी के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल फेसबुक पेज दोनों पर अपडेट कर दूंगा मैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। करें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स को चैनल शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।